बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फैंटास्टिक फोर। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 से, जहां पर हमें रीड रिचर्ड को यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है, जो अभी छोटा है, जो स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। और जब सब बच्चों से पूछा जा रहा होता है कि वो बड़े होकर क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, मिस्टर फैंटास्टिक बताता है कि वो एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना चुका है, लेकिन वो अभी उसे इम्प्रूव कर रहा है। इस मशीन से एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है, और आगे भी वो इसी मशीन पर काम करना चाहता है। पर उसके टीचर को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है। यहीं पर एक दूसरा लड़का होता है जिसका नाम होता है बेन ग्रीम, यानी कि द थिंग। द थिंग को उसका काम, उसका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगता है। द थिंग का एक कबाड़ खाना होता है जहां पर बहुत ही वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, और रात को वहां पर मिस्टर फैंटास्टिक एक मशीन का पार्ट चुराने के लिए आता है, लेकिन द थिंग उसे देख लेता है। मिस्टर फैंटास्टिक उसे बताता है कि मुझे अपनी मशीन के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर की जरूरत है, अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। द थिंग उसका साथ देता है, और अभी दोनों के दोनों उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं, और एक दिन ये दोनों के दोनों एक साइंस एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, जहां पर ये अपनी मशीन को प्रेजेंट करते हैं। वो उसके अंदर एक नकली प्लेन रखते हैं जिसे वो गायब कर देते हैं। सबको लगता है कि ये एक ट्रिक है, इसीलिए इन दोनों की टेलीपोर्टिंग मशीन पर कोई भी ध्यान नहीं देता, और इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिससे इन्हें बहुत दुख होता है। और अब यहाँ पर प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं, जो कि सूजन के यानी कि इनविजिबल वुमेन के पिता हैं। वो इन दोनों को बताते हैं कि मैं भी ऐसे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जब भी तुम किसी चीज़ को यहाँ से टेलीपोर्ट करती हो तो कभी वापस नहीं आती, क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। और प्रोफेसर फ्रैंकलिन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होते हैं, जहाँ पर इसी तरह की रिसर्च होती है, और वो इन दोनों को स्कॉलरशिप देते हैं। और अभी दोनों के दोनों उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये अपने एक्सपेरिमेंट को, अपनी मशीन को और भी इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इनविजिबल वुमेन भी इनका साथ देती है, और धीरे धीरे मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन के बीच में नजदीकियां आना शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, और एक दिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहां पर ये आपस में डिस्कस करते हैं कि इन्हें विक्टर को भी वापस बुला लेना चाहिए। दरअसल इनविजिबल वुमेन और उसका भाई जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च, ये दोनों के दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था क्वांटम गेट, और इसमें विक्टर इन दोनों को गाइड कर रहा था, उसके पास आइडिया था। हालांकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं चाहते कि विक्टर को वापस बुलाया जाए, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है उसके चलते उसे वापस बुला लिया जाता है, जहां पर फ्रैंकलिन विक्टर को मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग से मिलाता है। और अब ये चारों के चारों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक के आइडिया पर बेस्ड होता है। और बहुत जल्द ये एक बहुत ही शानदार मशीन बना लेते हैं, जिससे किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। सबसे पहले ये अपनी मशीन से एक मंकी को इस जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और जल्द ही उसे वापस भी ले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि पहले जब ये टेलीपोर्ट करते थे तो वो चीज वापस नहीं आती थी, लेकिन अब मंकी वापस आ चुका है। बोर्ड ऑफ मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और वो तय करते हैं कि नासा की टीम से वो कॉन्टैक्ट करेंगे, और सबसे पहले नासा की टीम इस टेलीपोर्टिक मशीन से दूसरी दुनिया में यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में जाएगी। लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक, जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च, द थिंग और विक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो तय करते हैं कि सबसे पहले वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे, ताकि इतिहास में हमेशा उनका नाम याद रखा जाए, और वो अपनी टेलीपोर्टिक मशीन से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिसका नाम होता है प्लैनेट जीरो। अब इन्हें जाते हुए यहाँ पर इनविजिबल वुमेन देख लेती है। ये चारों के चारों प्लेनेट जीरो पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब होता है। यहाँ पर चारों तरफ हरे रंग का लावा बहरा होता है, और तभी विक्टर हरे रंग के लावे को टच करने की कोशिश करता है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और विक्टर ज्वालामुखी के अंदर चला जाता है। बाकी के तीनों अपने स्पेस शटल में वापस आ जाते हैं। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है इनविजिबल वुमेन को, जो इन्हें क्वांटम गेट से वापस बुला लेती है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक विस्फोट होता है, जिससे सब के सब उस एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं। इन सब के अंदर अब सुपर ह्यूमन पावर्स आ चुकी है। सबसे पहले दिखाया जाता है रीड को, यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को, जिसकी बॉडी अब रबड़ की तरह खिंच सकती है। वहीं सुजैन को दिखाया जाता है, जो गायब हो सकती है, साथ ही वो फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकती है। जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है, साथ ही अब वो उड़ सकता है। द थिंग की बॉडी में अब बहुत ज्यादा पावर आ
चुकी है, वह पूरा पत्थर का बन चुका है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और इन सब को अब कस्टडी में ले लिया जाता है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक को बहुत वक्त बाद होश आता है, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने आप को आजाद कर देता है और वेंट के थ्रू वो बेन यानी कि द थिंग के पास जाता है। वो देखता है कि वो पूरी तरह से पत्थर का बन चुका है। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस जरूर आऊंगा और इस जगह से भाग जाते हैं। दरअसल वो यहाँ से भागे होते हैं ताकि वो अपनी पूरी टीम को दोबारा से क्योर करके पहले जैसा बना सके। वहीं पर जो टीम के साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम डॉक्टर हार्वी होता है, वो इस बात से परेशान होते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक कहाँ है। वो जल्द से जल्द उसे वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए वो द थिंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इसमें मदद करो, इसके बदले मैं तुम्हारा क्योर ढूंढ लूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और एक साल बीत जाता है। एक साल बाद डॉक्टर हार्वी को दिखाया जाता है जो मिलिट्री को एक स्पीच देते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो 3 सुपर सोल्जर्स हैं यानी कि द थिंग, इनविजिबल वुमेन और ह्यूमन टॉर्च, ये तीनों के तीनों अपनी पावर्स पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं और मिलिट्री के लिए काफी बड़े बड़े काम कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से उस टेलीपोर्टिंग मशीन को बनाया जाए और प्लेनेट जीरो पर दोबारा जाया जाए ताकि वहां से हम बहुत सारी एनर्जी को ला सकें, जिससे हम बहुत सारे सुपर सोल्जर्स बना सकते हैं। ऐसा करने से हमारी आर्मी के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन टेलीपोर्टिंग मशीन बनाने के लिए इन्हें मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत है जो अब इनके पास नहीं है। इसीलिए फ्रैंकलिन इनविजिबल वुमेन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें उसे वापस लाना होगा, उसके बिना हम उस मशीन को नहीं बना सकते। और अब वो आर्मी के साथ मिलकर मिस्टर फैंटास्टिक की तलाश करना शुरू कर देती है। वही मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है जो अपना चेहरा, अपना रूप बदल कर रह रहे होते हैं। वो एक बहुत ही खास सूट पर काम कर रहे हैं। इस सूट को पहनने के बाद एक बार फिर से उसी ग्रह में टेलीपोर्ट किया जा सकता है जिसका नाम प्लेनेट जीरो है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो अपने दोस्त द थिंग की मदद कर सके, जो अब पत्थर का बन चुका है। वो उसे पहले की तरह नॉर्मल करना चाहता है। वही इनविजिबल वुमेन को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर फैंटास्टिक की लोकेशन का पता चल जाता है और वो द थिंग के साथ और मिलिट्री के साथ एक खास सूट पहनकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर मिस्टर फैंटास्टिक को पकड़ लेते हैं और उसे एरिया 57 ले आया जाता है, जहां पर अब उसे इस बात के लिए कन्विंस किया जाता है कि वो एक बार फिर से टेलीपोर्टिंग मशीन बनाए यानी कि क्वांटम गेट, जिससे ये एक बार फिर से प्लेनेट जीरो पर जा सके। वहीं डॉक्टर हार्वी एलन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज दूंगा जिससे तुम अपने दोस्त द थिंग को पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। साथ ही इनविजिबल वुमेन भी उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा ताकि हमें अपने बारे में पता चल सके, हमें अपना क्योर मिल सके। और अब वो एक बार फिर से क्वांटम गेट बनाने में इनकी मदद करता है और जल्दी वो एक क्वांटम गेट यानी टेलीपोर्टिंग मशीन बना देता है। इस मशीन के, इस गेट के बनने के बाद डॉक्टर हार्वी एलन अपनी टीम के साथ उस प्लेनेट पर जाते हैं यानी प्लेनेट जीरो पर, और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से एक साया उनकी तरफ आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि विक्टर होता है जो अब भी जिंदा होता है। दरअसल सबको लगा था कि विक्टर मारा जा चुका है। ये विक्टर को लेकर वापस उसी गेट से अर्थ पर आ जाते हैं। विक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर बदल गया होता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। ये विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारी पावर्स क्या हैं। इन्हें नहीं पता होता कि विक्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो अर्थ को पूरी तरह से ख़त्म करके एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। वो डॉक्टर हार्वी एलन और उसकी पूरी टीम को मार देता है और यहाँ से टेलीपोर्टिंग मशीन की तरफ बढ़ता है। तभी उसके सामने प्रोफेसर फ्रैंकलिन आते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें मार देता है। इसके बाद वो टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर चला जाता है और एक बार फिर से वो प्लेनेट जीरो पर जा रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर चारों सुपर हीरोज भी उसी प्लेनेट पर चले जाते हैं। दरअसल वो इस टेलीपोर्टिंग मशीन यानी कि क्वांटम गेट के थ्रू अर्थ का जितना भी लैंडस्केप है उस सब को कंज्यूम करना चाहता है ताकि अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाए और वो एक नई दुनिया का निर्माण करे। उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स भी होती है। वो अपने आप को अब डूम बुलाता है। यहाँ पर जो चारों सुपर हीरोज होते हैं वो पहुंच जाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन विक्टर के सामने टिकना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है, उसके अंदर टेलीकाइनेटिक पावर्स भी है। और अभी चारों सुपर हीरोज तय करते हैं कि ये सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ये उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और तभी पीछे से द थिंग आता है। वो उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उसी पोर्टल की बीम के अंदर जा गिरता है जिससे वो अर्थ के लैंडस्केप को खींच रहा होता है। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है और ठीक उसी वक्त
ह्यूमन टॉर्च पोर्टल को बंद कर देता है, जिससे अर्थ बच जाती है। इसके बाद ये चारों के चारों अर्थ पर वापस आ जाते हैं। यूएस मिलिट्री इनके काम से बहुत खुश होती है। इनके हीरोइक काम के लिए इन्हें एक बेस दिया जाता है, जिसका नाम होता है सेंट्रल सिटी। यहाँ पर ये अपनी पावर्स को टेस्ट कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। गवर्नमेंट इनके बीच में कोई भी दखल नहीं देगी और ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी पावर्स को इंसानियत की भलाई के लिए यूज करेंगे और अपनी टीम को नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर सबसे पहले सन 2005 में आई थी। उसमें बताया गया था कि इन चारों के अंदर सुपर पावर्स कैसे आती हैं। और ये फिल्म जो सन 2015 में आई है, इसमें भी ये बताया जाता है कि ये चारों सुपर हीरोज कैसे बनते हैं। लेकिन इन दोनों फिल्मों में सुपर हीरोज बनने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पावर्स दोनों ही फिल्मों में इनकी सेम होती है। तो ये थी कहानी फिल्म फैंटास्टिक फोर की। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 4.3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।